नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ राके मिश्रा। आज हम बात करेंगे दिवाली के महापर्व के बारे में। दिवाली का महापर्व बस शुरू होने ही जा रहा है। 10 नवंबर से धनतेरस के दिन से ये 5 दिवसीय त्यौहार, ये पर्व शुरू होने जा रहा है। और हम सभी चाहते हैं कि दिवाली का ये पर्व, क्योंकि सनातन धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार कहा जाता है, पर्व कहा जाता है दिवाली को, तो हम सभी के लिए दिवाली का ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ख़ास तौर पे जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है, हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो। तो इसके लिए आज आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे वास्तु टिप्स कि आपको अपने घर में कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी का भी आपके घर में स्थायी निवास ज़रूर हो और आपके जीवन में हर तरह से सुख समृद्धि में वृद्धि हो, आपके घर में भी संपन्नता आए, आपके घर में भी माया हो, यानी कि माँ लक्ष्मी का निवास हो। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें वास्तु टिप्स की आपको अपना के ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहले साफ़ सफाई का आपको खास ख्याल रखना है, और साफ़ सफाई के साथ साथ आपको अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी सफाई करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट तक हमारे कुछ ना कुछ काम बाकी रह जाते हैं, घर कभी कभी फैला रह जाता है। तो आपको अपने घर को फैला नहीं रखना है कि जहाँ आपने अपने घर को फैला हुआ रखा, राहु का आगमन आपके घर में होगा और माँ लक्ष्मी नाराज़ भी हो सकती हैं। तो आपको माँ लक्ष्मी को नाराज़ नहीं करना है, अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज रखना है। साफ़ सफाई की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, जिससे आपके घर में भी माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। इसके साथ ही आपको राहु को अपने घर में जगह नहीं देनी है। तो राहु किन किन जगहों पर रहता है, क्या चीज़ें हैं, कौन से कारक हैं उसके, तो आपके घर का जो टॉयलेट है, आपके घर की सीढ़ियाँ, आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब राहु के कारक हैं। तो इन चीज़ों को आपको कोशिश करनी है कि आप वेल मेंटेन रखें, आप साफ़ रखें, आपके घर के टॉयलेट से किसी भी तरह की महक नहीं आनी चाहिए, और इसके साथ ही गंदा नहीं होना चाहिए, और वहीं आपका घर भी वेल ऑर्गेनाइज ज़रूर होना चाहिए। अगर आपकी अलमारी आपने सेट नहीं की है, तो कोशिश करें कि आप अपनी अलमारियों को भी सेट ज़रूर करें, जिससे राहु को आपके घर के किसी भी कोने में जगह ना मिले। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन करनी ज़रूर है। इसके साथ ही आप कोशिश करें कि अपने घर के टॉयलेट्स में, बाथरूम्स में आप कपूर ज़रूर जलाएं, जिसके एरोमा से आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो भी दूर ज़रूर भागती है। इसके साथ ही आपको कोशिश करनी है कि आपके घर में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर ख़राब पड़ा हुआ है, अगर उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो या तो आप उसे घर से बाहर निकाल दें, बाहर कर दें, या फिर आप उसे ठीक करा करके इस्तेमाल करें। वहीं अगर कोई पुरानी घड़ी है जो बंद पड़ी है, तो उनको भी आप रिपेयर कराएं, ठीक कराएं, और अगर इस्तेमाल लायक वो घड़ियां नहीं हैं, तो आपको उन्हें भी अपने घर से बाहर का ही रास्ता दिखाना है, जिससे आपके अच्छे समय का आगमन ज़रूर हो सके। तो कोशिश करिए कि आपके पास आपके घर में, चाहे वो वॉल क्लॉक्स हो या फिर रिस्ट वॉचेस हो, कोई भी घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि आपकी घड़ियां सब चलती रहें, जिससे माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में ज़रूर हो। वहीं हम बात करेंगे कि आपके घर के मुख्य द्वार, क्योंकि एंट्री कहाँ से होती है, मुख्य द्वार से होती है ना, तो आपका मुख्य द्वार भी उतना ही वेल लिट और वेल डेकोरेटेड होना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन तो आपके मुख्य द्वार से ही होगा। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने मुख्य द्वार को वेल डेकोरेटेड रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लीन रखिए, और इसके साथ ही आपको अपने मुख्य द्वार पे माँ लक्ष्मी के आगमन के स्वरूप, उनके पैरों के निशान अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर के आते की तरफ ज़रूर बनाने चाहिए, और इसके साथ ही उनके स्वागत की पूरी तैयारी करें। कोशिश करें कि या तो फूलों से या फिर रंगों से आप अपने घर के बाहर रंगोली ज़रूर बनाएं। इसके साथ ही आपको बंधनवार, ताजे पत्तों का बंधनवार भी अपने घर के मुख्य द्वार पे ज़रूर लगाना चाहिए। आप चाहें तो आम के पत्ते, अशोक के पत्ते को मिला करके बंधनवार बना सकते हैं। वहीं पीपल और बरगद का पत्ता भी बंधनवार में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप चाहें तो इन पत्तों को मिला करके, जो ताजे पत्ते होते हैं, उनको मिला करके अपने घर में बंधनवार ज़रूर लगाएं, और इसके साथ ही आपको रंगोली भी ज़रूर बनानी। वहीं जब ये त्यौहार शुरू होता है, ये पर्व जो 5 दिवसीय पर्व है शुरू होता है, तो इस समय पे आपको अपने घर में हल्दी और रोली मिला करके अपने घर के दोनों तरफ, मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक व ओम का चिन्ह ज़रूर बनाना चाहिए, शुभता के लिए बनाना चाहिए, जिससे आपके घर में
माँ लक्ष्मी का वास ज़रूर हो और आपको अपने घर को पूरी तरीके से, चाहे आप बहुत ज़्यादा सामान लेकर के ना आए, लेकिन अपने घर में साफ सफाई का ध्यान आपको ज़रूर रखना है और कोशिश करनी है कि आपका घर वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखी हों, फैली ना हो, जिससे राहु का आगमन ना हो, सिर्फ और सिर्फ माँ लक्ष्मी का आगमन हो। क्योंकि अगर राहु आपके घर में रहेगा तो माँ लक्ष्मी आएंगी तो सही, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक टिकेंगी नहीं। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज्ड ज़रूर रखें। बहुत छोटे छोटे और बहुत ही आसान टिप, लेकिन इन टिप्स को अपना करके आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास भी रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी आपके घर में ज़रूर आएंगी। तो इसी कामना के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।